जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम हैं फिलहाल हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में, जो कि मुंबई से हावड़ा के बीच में चलती है। गाड़ी तो यार काफ़ी सही है और इसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। आप लोगों ने पार्ट वन तो इस जर्नी का देखा ही होगा, जहां पे हम लोगों ने मुंबई से रायपुर तक को डिटेल में कवर किया था। आज बारी है रायपुर बिलासपुर वाला ये जो सेक्शन है, इसे आप टाटा नगर खड़गपुर होते हुए मेरे साथ हावड़ा तक कम्प्लीट करने वाले हो। लास्ट पार्ट में ये सस्पेंस बना हुआ था कि गाड़ी कितना लेट होने वाली है, और वो इसमें भी बना हुआ है। और यहाँ पर हमारी नाश्ते के बाद की चाय आ चुकी है। बाकी इस वीडियो में आपको दोपहर के खाने से लेकर शाम का इवनिंग स्नैक, रात का डिनर, सभी चीज़ें देखने को मिलेंगे, रूट डिटेल में देखने को मिलेगा। मज़ा बहुत आने वाला है इस वीडियो को, भाई पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि दुरंतों की जर्नी है। स्पेशल सर्विसेज चल रही हैं और साथ साथ ये ट्रेन काफ़ी बढ़िया ढंग से भाग रही थी 130 की रफ्तार में। और आने वाला जो सस्पेंस है वो तो आगे जाकर ही क्लियर होगा कि आगे हमारा क्या प्लान बनता है, क्योंकि 9:30 की ट्रेन में टिकट कराने का सोच रहे हैं, वो हो पाता है कि नहीं पॉसिबल, इस वीडियो को पूरा एंड तक। सामने इतवारी टाटा एक्सप्रेस दिख रही है, इसका सुबह 8 बजे का टाइम था, पर ये भी हमारे साथ 11:15, 11:20 के आसपास पहुंच रही है प्लेटफॉर्म पे। और दूसरी तरफ अनूपपुर शहडोल तरफ जाने वाली जो लाइन है बिलासपुर से, वो अलग हो रही है, वो उस तरफ निकलती चली जा रही है। जो वॉशिंग लाइन है ना, इसके उस पार से वो निकल जाती है। हमने जर्नी की है पूरी वलसाड एक्सप्रेस में, जो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आपको खूब सारी गुड्स ट्रेन देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप अभी बिलासपुर डिवीजन में हैं। AM का टाइम था हमारा बिलासपुर जंक्शन पहुंचने का, और यहाँ पे 11:25 यानी 1.5 घंटे के डिले के साथ पहुंच रहे हैं। और इतने में स्टाफ जो है गाड़ी का पूरा खुश है, क्योंकि यहीं तक आते आते गाड़ी 3-4 घंटा रोज़ लेट होती है। सब बार बार बोल रहे हैं, सर आज आप लोग आए हो, किस्मत अच्छी है, गाड़ी जल्दी पहुँच रही है, गाड़ी जल्दी पहुँच रही है आज। मतलब 1.5 घंटा भी इनके लिए कुछ नहीं है, खुश है उसी में। वैसे बात की जाए, बिलासपुर को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ छत्तीसगढ़, यानी धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ की जो दोबराज राइस है वो काफ़ी फेमस है और बहुत आयत में यहाँ पे होती भी है। साथ साथ बहुत सारी कल्चरल चीज़ें भी यहाँ की फेमस है। बिलासपुर तो खैर राजधानी नहीं है, रायपुर राजधानी है,
लेकिन भाई बिलासपुर जगह काफ़ी बड़ी है, मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ। और रेलवे के अगर हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो हेडक्वार्टर्स में से एक बिलासपुर भी है, जहाँ से अनूपपुर वाली लाइन मैंने आपको दिखाई है। हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी टाटा नगर वाली लाइन की ओर। खाने पीने की बात की जाए तो अगर आप लोग इस ट्रेन से नहीं आ रहे, किसी और ट्रेन से आ रहे हैं, तो भी आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स करने की व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी। आप IRCTC की ई केटरिंग से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। साथ साथ स्टेशन में आपको फल, समोसे, स्नैक्स वगैरह सभी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है। हाँ, बस एक दिक्कत ये होगी कि ट्रेनें जो हैं डिले चलती हैं, क्योंकि मैं अभी इंदौर पूरी हमसफ़र को देख रहा था, जिसे हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में ओवरटेक किया था ना, वो 4 घंटे के डिले के साथ आ रही है। शिवनाथ एक्सप्रेस जस्ट यहाँ पे आई है 11 बजे, जिसका सुबह का टाइम है। इतवारी वाली गाड़ी आपने देखी है, और भी बहुत सारी गाड़ियों को मैंने ट्रैक किया, जैसे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस जो कि 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। ऐसे ट्रेन जो है वो पता नहीं यहाँ पे डिले होती चली जाती हैं, और इस सेक्शन में रेलवे को परवाह नहीं है कि पैसेंजर ट्रेन लेट हो रही है। मतलब एक तारीफ की बात भी है कि इंडियन रेलवेज का सबसे ज़्यादा कमाने वाला जो जोन है SECR है, क्योंकि गुड्स ट्रेनों की वजह से। और इस चीज़ का एक बुरा प्रभाव ये भी है कि जो हमारी पैसेंजर ट्रेनें हैं वो लेट होती हैं। इसका आम आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, जो लोग यहाँ रहते हैं वही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मान लो आपका कभी किसी स्टेशन में, किसी शहर में जाके एग्ज़ाम है, आप ट्रेन के भरोसे जा रहे हो, सोचो आपकी गाड़ी 3 घंटा लेट हो जाए, आपका एग्ज़ाम छूट जाए, कैसा होगा। इन चीज़ों को सोचेंगे तब आपको लगेगा कि ये नहीं, 3-4 घंटे और 1/2 घंटे का डिले भी मायने रखता है। पर अगर डेली की बात की जाए तो इतना जो लेट हो रहा है तो भाई वही शेड्यूल दे दो फिर स्लैक वाला, ताकि पब्लिक के मन में तसल्ली रहे, लोग इस पर डिपेंड ना हो। इन चीज़ों का रेलवे को ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी 3 ट्रैक तो बिछाए हुए हैं, तभी पैरेलल रेस देखने को मिल पाई। अगर ये ट्रैकों की संख्या बढ़ जाए, वैसे कोई कहने वाली बात है, कोई आसान काम नहीं है, लेकिन समय के साथ अगर फ्यूचर में ट्रैक्स की संख्या और बढ़े, गुड्स ट्रेन को अलग से DFC की तरह डेडिकेटेड कॉरिडोर दे दिया जाए, तो हो सकता है कि हमारी पैसेंजर ट्रेनें डिले ना हो। बाकी फिलहाल जब यहाँ से डिपार्चर होगा तो आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे वाटर फिलिंग वगैरह हो रही है, स्टाफ वगैरह चेंज होगा, TT स्टाफ नहीं, जो ट्रेन के लोको पायलट सर वगैरह वो चेंज होंगे। यहाँ से मिलते हैं आपसे डिपार्चर पर। बिलासपुर में ट्रेन की साफ़ सफाई वगैरह भी होगी, वाटर फिलिंग भी तो हो ही रही है। ये एक सही चीज़ है कि ट्रेन की यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से साफ़ सफाई बाहर से अंदर से हर जगह से होने वाली है। और वाटर फिलिंग का इफेक्ट देख लो, पानी जो वहाँ से बाहर भी आ रहा है ओवर फ्लो होकर के। प्लेटफॉर्म की भी देखो काफ़ी ढंग से सफाई चल रही है आज यहाँ पे। टॉल 15 हो रहा है, थोड़ा एडिटिंग का भी काम चल रहा है। यहाँ पे अपना सूप जो है वो आ चुका है, ये ट्रेन में बना हुआ एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सूप है, और साथ में इसके है सॉल्ट, पेपर, बटर भी है और सूप स्टिक्स भी है। देखते हैं कैसा है स्वाद इसका। आज तो यार सूप वाकई में बहुत टेस्टी सर हुआ है, इसे करीब से देखो आप लोग। पेपर वगैरह मैंने मिला दिया, मुझे पसंद है काफ़ी। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सूप का अलग ही मज़ा है, नॉर वगैरह के पैकेट वाले का कुछ और ही स्वाद होता है, वो उसमें मज़ा नहीं आता। इसका स्वाद वाकई में अच्छा है, क्यों सनी भाई कैसा लग रहा है? सूप आज वाकई में अच्छा है कल के मुकाबले। ना तो ये ढंग से टोमेटो को लग रहा है, ना तो वेजिटेबल का, बट जो भी है अच्छा लग रहा है। धनिया वगैरह पड़ी हुई तो मज़ा आ रहा है। इसके बाद जो अपना डिनर की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बढ़ गई है। बस सूप पीते पीते देखो कोई नदी भी यहाँ पे पार हो रही है। हसदेव नदी
अब दुरंतो ट्रेन है यार, नॉन स्टॉप रन तो बनता ही है। यहाँ पे चंपा जंक्शन को हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, कोरबा के लिए लाइन जाती है यहाँ से, कोरबा यशवंतपुर वैन गंगा एक्सप्रेस भी चलती है। अब दुरंतो ट्रेन के यही मजे, हमारी ट्रेन मुंबई से चली है तो पहले भुसावल रुकी, फिर नागपुर, बिलासपुर, उसके बाद कोई स्टॉप है ही नहीं, सीधा टाटानगर, चंपा, झारसागुड़ा, बहुत सारे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए हम लोग इस सफर को तय करने वाले हैं। ऐसे 400-400 किलोमीटर तक ट्रेन रुकती ही नहीं है। वाह, और सूप जो है वो चल रहा था, संदीप भाई तो गए बाहर से शॉट लेने के लिए, मेरे को सूप बड़ा अच्छा लग रहा था तो मेरे जाने का मन ही नहीं हुआ। गर्मी में सूप कौन कौन लोग पीते हैं यार, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, ठंडी होगा तो मुझे पता है, गर्मी में बताना जरूर किसको किसको सूप पसंद है। शायद है कि वो लाइन कोरबा के लिए निकल गई, वहां पे घूम के ऐसे जाती है फिर सर के ऊपर से। आज लंच में कुछ नया है, चलो पनीर नहीं है देख करके अच्छा लगा, आलू मिक्स वेज की ड्राई सब्जी भी है और यहाँ पे ग्रेवी वाली भी है, दाल है जिसमें जीरा का तड़का, टमाटर प्याज का सबका लगा हुआ है, अचार है यहाँ पे, जीरा राइस हमारे लिए आज बनाई गई है, साथ में सैनिटाइजर है, दही है, रोटियां हैं इसमें, और उम्मीद करते हैं कि आज की रोटियां पकी होंगी, क्यों संदीप भाई? बिल्कुल जरूरी है वो, सबसे ज्यादा जब जब खाना अपना आता है ना, खाना शुरू करो तो कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर आता है। यहाँ देखो कोई नदी पार हो रही है अभी, तब से यही चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब जब बाहर जाता हूँ तो नॉर्मल कुछ नहीं मिलता, जहाँ खाना आता है कुछ ना कुछ अच्छा शुरू हो जाता है। हाँ लेकिन पानी काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है इस नदी का, और ये कौन सी नदी है, मांड, मांड रिवर। चलो भाई अब जल्दी से टेस्ट करते हैं कैसा खाना है। की तो सब्जी ठीक है, और सबसे बढ़िया लगी मुझे आज जो ये सब्जी दी गई है ग्रेवी वाली। कल की पनीर में मज़ा नहीं आता लेकिन आज इसमें मज़ा आया। और दाल थोड़ी मिक्स दाल टाइप की लग रही है, पर हाँ जीरे का तड़का बढ़िया आ रहा है, चावल में भी बढ़िया है, और रोटी आज ध्यान देके भुनी गई है। देखो एक तरफ पहले यहाँ की थोड़ी रह गई थी, और कल की तो पूरी कच्ची थी, उन्हें वापस कर दी थी और वापस से उसे वहाँ तक गर्म करके लेके आओ। आज रोटी को थोड़ा अच्छे से सेका गया है, बाकी स्वाद आज के खाने का अच्छा है, आज इसे मैं 10 में 7-8 रेटिंग दे पाऊँगा।
कोलकाता की गाड़ी है, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे मिशी दही ऐसा कुछ होगा जो कि कोलकाता के कल्चर को दिखाता है, पर यहाँ पे रसगुल्ले तो आए हैं, पर अफसोस की बात यह है कि ये फ्रेश नहीं है, ये हैं हल्दीराम के टिन वाले, उनको निकाल के दिया गया है। तो संदीप भाई कैसे हैं रसगुल्ले? चाशनी से भरपूर भरे हुए और हार्ड वाले, मतलब अगर आप लोगों ने कोलकाता में कभी रसगुल्ले वगैरह खाए होंगे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत बढ़िया मिलते हैं। बाकी इसे खाने का मेरा कोई मन नहीं है, अब यहाँ पे काम चल रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, पहले इसे फिनिश कर लेते हैं। बाकी टाटा नगर देखते हैं कब तक आएगा, और बीच में रेस्ट करने का भी मन है क्योंकि नॉन स्टॉप सुबह से जाग रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं आने वाले स्टेशन में, तब तक आप लोग ऐसी जर्नी इंजॉय कीजिए। सफलपुर की ओर आगे यही लाइन कटक की ओर निकल जाती है। हम लोग बढ़ रहे हैं अभी झारसगुड़ा जंक्शन के लिए, वो बाईपास लाइन थी। Thank you.
अपना कोई स्टॉप नहीं था, पर ट्रेन रुक गई है, 2 घंटे से ज़्यादा का डिले चल रहा है यहाँ पे, और अभी शाम के 4:05 हो रहे हैं, ट्रेन अभी यहीं पे है, टाटा नगर हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप वैसे ऑफिशियली है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ, इसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहा जाता है, इस्पात शहर उड़ीसा का, काफ़ी फेमस है अपने स्टील प्लांट वगैरह के लिए। थोड़ा बहुत स्नैक्स सोच रहा था उठा लेता हूँ यहाँ से, अब रुकी गई गाड़ी तो। बाकी वो जो आपको बाहर से देखने में काफ़ी यूनिक सा लग रहा होगा, अंदर से नॉर्मल एसी टू टीयर की तरह ही होता है, तो देख के खुश मत होना, बस सिंपल नॉर्मल टू टीयर जैसा है, बस बाहर के पेंटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं अपनी ट्रेन रुकी हुई थी और मैं समोसा लेकर के आ गया बाहर से, क्योंकि अभी भी चली नहीं है, अच्छा खासा हॉल्ट अप, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बंगाल वाला जो टच होता है ना समोसे में, वो है यार, हो गया लिटरली, बहुत ही गजब। आप ट्रेन की चाय भी आ जाए अपनी, अलग ही लेवल का मजा आएगा, स्वादिष्ट बहुत है, इसे मैं रखने वाला हूँ चाय के साथ खाने के लिए। यहाँ पे देख लो हमारी ट्रेन भी निकल चुकी है अभी, समोसा खाते खाते, जब जब मैं कुछ खाने की कोशिश करता हूँ ट्रेन का डिपार्चर या मूवमेंट हो जाता है शुरू। अब एक समोसा संदीप भाई के लिए, छोड़ दिया, दूसरा वाला मैंने खाना शुरू कर दिया था। बाकी दोपहर वाले जो रसगुल्ले हैं वो तो नहीं खाए अभी तक, वैसे ही रखे हुए हैं। गुड्स ट्रेन यार बहुत ज़्यादा है इस रूट में यार, मालगाड़ी देखने को मिलती है, नॉर्मल ट्रेन तो दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता। इतने सारे शक्ति लोकोमोटिव स्क्रैप होने के लिए खड़े हैं यहाँ पे, क्या बताऊँ आपसे, मतलब देख करके ही बुरा लग गया है यहाँ पे, इतने सारे लोकोमोटिव हैं अंदर, इतने सारे हैं। इन लोकोमोटिव की सर्विसेज इंडियन रेलवेज में खत्म हो गई हैं, अब ये सभी लोकोमोटिव स्क्रैप होंगे। दूर दूर तक अगर देखेंगे तो केवल लोकोमोटिव्स ही लोकोमोटिव्स दिखाई देंगे। ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड भी है बिरला मुंडा का, जहां पे ज्यादातर मेरे को गुड्स लोकोमोटिव देखने को मिले। सनसेट हो रही है और यहाँ पे देखो इवनिंग स्नैक्स अपने, सैंडविच है, समोसा है, लड्डू है, और यही यार कल वाला बादाम है। सैनिटाइजर अच्छा हुआ दे दिया इन्होंने, सॉस वगैरह भी है, और चाय मैंने कहा यार बना कर लेके आओ तो वो आ ही रही है। बाकी जल्दी से इसका रिव्यू कर लेते हैं। और संदीप भाई ने वो हमारे झारसागुड़ा वाले समोसे भी ट्राई किया, राउरकेला के समोसे ट्राई किए थे, अब ये ट्रेन का समोसा ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। बनी बनाई चाय अच्छी लगती है यार, वो जो जिसमें प्रीमिक्स वगैरह मिलता है वो वाला, उसमें मजा नहीं आता। समोसे यहाँ पे काफी ठीक ठाक से हैं, जो राउरकेला से हमने लिए थे उनका स्वाद तो भाई जोरदार है। बाकी कोई चीज, कल कचौरी सर्व हुई थी, आज समोसे हैं, बाकी चीज सेम है, सैंडविच वगैरह है और यहाँ पे एलमेंट्स वगैरह हैं। सैंडविच आज वाली जो मेरे को कल वाले से बेटर लग रही है। बाकी एक और चीज़ है, स्वीट में हमें ये मोतीचूर का लड्डू मिला हुआ है,
ये भी खाएंगे आराम से, जल्दी से चाय फिनिश कर लीजिए, नज़ारे बहुत खूबसूरत चल रहे हैं, इसी के साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। जल्दी से फिनिश करते हैं चीज़ों को, आपसे मिलते हैं अब सीधा टाटा नगर में, कुछ ही समय में गाड़ी वहाँ पहुँचने वाली है। यार देखो, फिर से शाम की चाय चल रही थी और यहाँ पे चक्रधरपुर आ गया। जब जब मैं चैन से खाने बैठ रहा हूँ इस गाड़ी में, कुछ ना कुछ चीज़ मिस हो रही है। अब क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है। बस जस्ट अभी खाना आया था, विद इन कुछ मतलब एक दो मिनट हुए होंगे, बस सीधा चक्रधरपुर आ गया। देखो बस समोसा शुरू किया, सैंडविच टेस्ट की, स्किप हो गया चक्रधरपुर और एक ओवरटेक भी मिस हो गया, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी वो। टाटा नगर ने हमें एंट्री दी है यहाँ पे 7, टाटा नगर पे एंट्री तो हमें 6:40 पे मिली है। तो टाटा जी द्वारा बसाए गए इस खूबसूरत से शहर टाटा नगर में आप सभी लोगों का स्वागत है। ट्रेन यहाँ पे 7:40 पहुँची, 4:20 का टाइम, 20 मिनट्स का डिले ऑलरेडी हो चुका है। ट्रेन देर देर में रुकती है ना कि अंदर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, नॉन स्टॉप भाग रही है, चल रही है, कुछ करने को नहीं है। वैसे जो जो सिटी है ना, झारखंड के मोस्ट पॉपुलर सिटी में से एक है और साथ ही साथ मोस्ट डेवलप्ड सिटी में से, इंडिया का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी था। अपने जॉइंट वेंचर्स जैसे टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील्स के लिए फेमस है और काफ़ी डेवलप्ड शहर है। 2020 में तो इसे इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी मिला था। इतना ज़्यादा प्लान्ड, उतना ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ पे मेंटेन की गई। इनफैक्ट आप स्टेशन भी देख सकते हो, पूरा साफ़ सुथरा। खैर भीड़ है लेकिन फिर भी स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है। और ट्रेन यहाँ पे आके रुकी है, हमारा लास्ट हॉल्ट है, इसके बाद ट्रेन सीधा हावड़ा रुकेगी, खड़गपुर वगैरह जैसे बड़े स्टेशनों को भी स्किप करने वाली है। बाकी टाटा नगर से कोई ट्रेन अगर आप लोग मुझे रिकमेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मैं सोच ही रहा था। बाकी यहाँ से रूट्स की बात की जाए तो आसनसोल के लिए लाइन गई हुई है और एक और लाइन गई है जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। बाकी हावड़ा वाली लाइन तो मैंने बता दी है, यहाँ से 3 लाइन टोटल गई, एग्जाम्पल आपको हिंट दे दिया है मैंने। बाकी आप लोगों को बताना है, जो लोग यहाँ से हैं मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके शहर में क्या चीज़ें खास है, क्योंकि मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने सुना कि बहुत सारे पैलेसेस फेमस हैं, साथ साथ बहुत सारे टेम्पल प्लेस फेमस हैं यहाँ के, काफ़ी रिलीजियस प्लेस है। तो ज़रूर आप ही लोगों से जानना चाहूँगा कि कौन सी जगह ज़्यादा सही रहेगी। देर बाद जाके रुक रही कि हम लोग तो आधा टाइम तो नींद में थे अंदर कि सो जाएं कि जागें इस आशंका में थे, लेकिन जैसा ऐसा सोचें बढ़िया कोई नदी गुजर जाए, जंगल से गुजर रही हो तो फिर सोना कैंसिल हो गया। और जब थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाई सोने के, तब तक इवनिंग स्नैक आ गए। 360 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद जाके स्टॉप आया। और अगला मुझे तो नहीं पता हावड़ा कितना दूर है यहाँ से, पर ये ज़रूर टीटी सर के मुँह से सुना कि 10:30-11 तक पहुँचेगी और अभी 7:30 हो रहा है, मतलब 4 घंटे फिर नॉन स्टॉप भागने वाली है गाड़ी। ट्रेन जो है टाटा नगर जंक्शन से भी निकल चुकी है, 10 मिनट खैर ट्रेन यहाँ रुकी है, पर काफ़ी अच्छा लगा यार कितनी देर बाद जाके कहीं रुकी। तो वैसे एक बात बोलता हूँ भैया, खाना खाने की हिम्मत मेरी भी नहीं थी। अच्छा आप खिचड़ी लेके आ गए, गाड़ी लेट है लेकिन फिर भी आप प्यार से ला रहे हो, ये अच्छा लगा। थैंक यू सर। ट्रेन लेट होने का एक फ़ायदा हुआ कि खिचड़ी आ गई है यहाँ पे, मतलब मेरा एक्चुअली में मन था कि मील्स ना खाऊं। संदीप भाई से बात कर रहे थे कि अब रोटी पनीर सब्जी दाल वापस खाने का मन नहीं, कुछ नया होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल तो मिला नहीं, बस ऊपर वाले ने सुन ली और यहाँ पे खिचड़ी जो है वो आ गई है। रेलवेज़ के नियम यही है, अगर गाड़ी लेट होती है तो आपको फुल मेन्यू नहीं, दाल चावल या दाल खिचड़ी ऐसी टाइप की चीज़ें दी जाती हैं जिससे इंसान का पेट तो भर जाए और साथ साथ रेलवे का भी नुकसान। टेस्ट कैसा है देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा हाँ, वैसे यार डिनर में, डिनर से पहले सूप भी नहीं मिला है, तो सूप का भी काम कर रही है और डिनर का भी, काफ़ी टेस्टी बनी है।
आज प्रॉपर आलू की भुजिया सब्जी भी बना के दी है, बहुत बढ़िया। चलिए इसे फिनिश करते हैं। कुछ समय में गाड़ी अब खड़गपुर रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी, रुक जाती तो और अच्छा है, कुछ खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे। निकलती है तो वो भी आप देखिएगा। यहाँ अभी अपनी ट्रेन खड़गपुर जंक्शन को स्किप कर रही है। भुवनेश्वर वाली लाइन हमसे अलग होती है, हम लोग टाटानगर वाली लाइन से आ रहे हैं, इसलिए इसे जंक्शन कहा जाता है, और हम लोग हावड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व के लंबे प्लेटफॉर्म्स का खिताब काफ़ी लंबे समय तक खड़गपुर के पास रहा है, और आज ये तीसरे नंबर पर इंडिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। ये इतना लंबा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे दो दो ट्रेनें भी समा सकती हैं। अभी हमारी ट्रेन देखो प्लेटफॉर्म एंटर कर रही है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जो है वो खत्म हो रहा है, जहाँ पे ईएमयू ट्रेन खड़ी हुई थी वहाँ पे देखो हमारी ट्रेन अभी स्किप करने के लिए दूसरा प्लेटफॉर्म जो है एंटर कर रही है। देख लो ऑलमोस्ट यहाँ पे रात के 9 बजे और ट्रेन खड़गपुर जंक्शन को स्किप कर रही है। फाइनली प्लेटफॉर्म भी स्किप हो गया यार, काफ़ी लंबा था, बहुत देर से ट्रेन अपनी यहीं पे टहल रही थी ऐसा लग रहा है खड़गपुर में। यहाँ से 120 किलोमीटर बसता है हावड़ा, देखते हैं कब तक पहुँचती है। उम्मीद है कि 10:30-11 तक ट्रेन आज पहुँच जाएगी, 8:15 का टाइम था पर डिले के कारण ऐसी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ से अब वापस से 130 की रफ्तार पकड़ेगी ट्रेन, क्योंकि ये जो सेक्शन है क्लियर है 130 के लिए। मिलते हैं आपसे सीधा हावड़ा में। कि ट्रेन अब हावड़ा पहुंचने वाली है, लेकिन एक चीज पूरी जर्नी में जो हमें खली है वो है ट्रेन में सिक्योरिटी नाम की चीज कहीं कुछ नहीं दिखी। क्यों भाई? वो ही नहीं दिखा सिक्योरिटी के नाम पे। मतलब जो ट्रेन के जो टीटी स्टाफ हैं, जो भी मतलब एसी मैकेनिक वगैरह जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग रात भर दरवाजे बंद कर रहे थे। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ नागपुर में और बाकी स्टेशन में यही हाल था कि जो भी ट्रेन का स्टाफ है सब दरवाजे बंद करेंगे, कोई कहीं से चढ़ ना जाए, चोरियां ना हो। मतलब इतनी प्रीमियम गाड़ी है, ऑलमोस्ट डेली भाग रही है आपके रूट में, तो यार आपको तो सिक्योरिटी तो देनी चाहिए इसमें। सारे इतने महंगे महंगे सामान लेके ट्रैवल करते, देखो संदीप भाई को कितना कुछ सामान लेके ट्रैवल कर रहे हैं महंगा महंगा, एक भी आइटम गया तो अफसोस मनाने लायक रह जाएंगे स्थिति। और एक और चीज़ बहुत काफ़ी फनी चीज़ है, संदीप भाई और मैं सोच रहे थे बैठ के कि ये गाड़ी रेगुलरली स्टाफ बता रहा है कि लगभग 3 साल से ऐसे ही लेट होती चली जा रही है, और आज तक रिकॉर्ड है कि 3 से 4 घंटे से लेट से नीचे गई ही नहीं है कभी, इसलिए ये लोग प्यार से इसे खिचड़ी दुरंतो बोलते हैं। तो अगर आपको भी खिचड़ी खानी हो ट्रेन में ना, सबसे अच्छी गाड़ी है आपके लिए, क्योंकि इस गाड़ी में अगर आप आते हो तो आपको 110% खिचड़ी जो है वो मिलेगी, क्योंकि 8:15 का इसका जो अराइवल टाइम है उसमें कभी पहुंचती नहीं है, और डिनर उसके बाद सर्व होना ही होना है, तो जाने के टाइम ये उपमा दुरंतो होती है और आने टाइम में खिचड़ी दुरंतो, क्योंकि जाने वाली जो ट्रेन है वो ब्रेकफास्ट टाइम पे 4 घंटे लेट पहुंची थी, ये दुरंतो भी ऐसे ही लेट पहुंचती है, तो जाने के टाइम में ट्रेन में उपमा बनता है भर के, और आने के टाइम पे खिचड़ी, तो उपमा खिचड़ी दुरंतो है ये, कुछ ऐसा इसका हाल है। साफ सफाई बढ़िया है, बाकी चीज़ें ठीक है, पंक्चुअलिटी हमें तो इसलिए नहीं एहसास हो रहा क्योंकि गाड़ी तो भाग ही रही है नॉनस्टॉप, कहीं रोका नहीं गया, धीरे भले ही हो रही है पर लेट हो रही है, तो मतलब दुरंतो का जो नाम है ना वो जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डाउन हो रही है। खाने पीने की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है इस ट्रेन के, बाकी टिकट अवेलेबिलिटी से बहुत सेटिस्फाइड है। करंट में सारी क्लास में भर भर के सीट निकली थी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस ट्रेन में, 400 सीट खाली निकली थी भाई। टिकट अवेलेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और रेलवे ने 10% का जो डिस्काउंट था करंट बुकिंग में वो हटा दिया, तो अब कोई फ़ायदा नहीं वेट करने का। बाकी चलो फिलहाल हावड़ा पहुँचते हैं, बाकी बातें वहाँ पे करते हैं, जर्नी एंड होने वाली है। हम लोग हावड़ा जंक्शन पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे देख लो NJP वंदे भारत का जो रेक है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है एंट्रेंस पे, और वहाँ पे युवा का पुराना रेक जो कि चलती थी पहले, अब खैर बंद तो बिल्कुल नहीं चल रही, लेकिन उसके पुराने जो रेक्स हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं।
बड़े ही धीरे धीरे ट्रेन को लाया गया है यहाँ पे, देख लो आप लोग, ऑलमोस्ट देख लो कितना डीले हो गया, बहुत धीरे धीरे ट्रेन को यहाँ पे लाया गया है। क्या चलो वंदे भारत के दर्शन हो गए। अगर आप लोग इसमें भी जर्नी देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से, क्योंकि हावड़ा NJP वंदे भारत मैंने भी नहीं की है, बची हुई है। हावड़ा तो पहुंच गए हैं, पर पता नहीं कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसके लिए इतनी गजब की भीड़ लगी है यहाँ पे। देखो नाम पढ़ के देखते हैं जरा कौन सी गाड़ी है। अच्छा ये बैंगलोर वाली है अपनी, हावड़ा SMBT बेंगलुरु एक्सप्रेस, ये परसों सुबह तक पहुंचेगी बेंगलोर, ट्रेन नंबर 12863। रात के 11 बजे हैं और ट्रेन हमारी पहुंच गई हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 19। इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से आता है हावड़ा रेलवे स्टेशन, और साथ साथ यहाँ पे दिन में लाखों लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, और इतनी सारी ट्रेनें यहाँ से हैं कि मतलब क्या बताऊँ, मतलब देश के हर कोने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, चाहे कन्याकुमारी की बात की जाए, चाहे जम्मू की बात की जाए, चाहे डिब्रूगढ़ की बात की जाए, चाहे ओखा की बात की जाए, हर जगह के लिए आपको यहाँ ट्रेन वगैरह मिल जाएंगी। दुरंतों का रिव्यू तो हो चुका था, स्टेशन की बात करूँ तो देख के मैं स्तब्ध रह गया, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे। बाकी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमने आज टोटल 1965 किलोमीटर की दूरी को ऑलमोस्ट 29 आवर्स में तय किया है। बस आपको मेरे साथ ये जर्नी कैसी लगी दो पार्ट्स में, ये मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी इस जर्नी को रिकॉर्ड करने में, और आपने उतना ही इक्वली इन्जॉय किया कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग अपने ऐसे कमेंट्स जो जल्दी से नीचे लिख डालिए, इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो कर लीजिए, इंस्टाडी द ट्रेन गुरु है, वहाँ मैं जर्नी अपडेट्स एंड फोटोज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मिलेंगे जल्दी से और बहुत सारी जर्नीज में, ट्रेन रिव्यूज़ में, और ऐसे ही ऑल इंडिया ट्रैवल करके आपको जर्नी एक्सपीरियंस करवाते रहेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।